ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है सोमवती अमावस और अमावस हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो जो हमारी आज की गाइडेंस है वो हम अपने पितरों की तरफ से ही निकालेंगे कि क्या वो हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे हमेशा से ही शुभ चिंतक रहे हैं। चाहे वो जब तक वो हमारे साथ थे और अभी वो लोग हमारे साथ नहीं, तभी भी वो लोग हमारे शुभ चिंतक हैं, क्योंकि परमेश्वर और हमारे जो भी पितर होते हैं वही हमारे शुभ चिंतक होते हैं। तो इसीलिए जो आज की गाइडेंस है, जो भी मैसेजेस हैं, हम अपने पितरों की तरफ से और भोले बाबा की तरफ से निकालेंगे। तो आप लोग जिस किसी भी परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर शक्ति, डिवाइन को मानते हैं, उनका ध्यान कीजिए ताकि हम आपकी गाइडेंस निकाल सकें, और अपने फोर फादर्स का, अपने पितरों का भी ध्यान कीजिए ताकि हमें गाइडेंस सही सही मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय कालिका माँ, जय कालिका माई, जय कालिका माई। तो आइए देखते हैं कि हमारे पितर क्या संदेश हमें देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस हमें देना चाहते हैं। सही समय आ गया है, अब इंतज़ार खत्म होगा। कोई ऐसी चीज़ थी जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, तो अब सही समय आ गया है, अब वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। और हमारे पितर हमें संदेश दे रहे हैं कि बुरी नज़र लगी है किसी की, तो आपको क्या करना है कि आप बुरी नज़र के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमेशा अपने घर में जो आपके वॉशरूम है उसमें आप एक कांच के बाउल में थोड़ा सा नमक, नमक कोई भी हो, पिंक सॉल्ट हो, रॉक सॉल्ट हो, नॉर्मल सॉल्ट हो, उसमें आप 5 लौंग रख सकते हैं, और उसमें आप कांच के बाउल में आपको वो रखना है 5 लौंग, और आपको ये सॉल्ट रखना है, आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं। तो इससे जो भी नेगेटिव वाइब्स हैं वो आपके घर में नहीं आएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। इसको करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय है पर इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हमारा लिए संदेश है, 2 राहों में कंफ्यूज है। तो हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो, जॉब के हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, किसी भी वे में 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत रहिए। और नेक्स्ट मंथ कोई हमारे जो पितर है वो संदेश देना चाहते हैं, डिवाइन संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, या कुछ इस चीज़ का वेट करें तो वो नेक्स्ट मंथ होगी। और ये आपके पार्टनर की तरफ से आपका संदेश है, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तो आपके जो पार्टनर है वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके जो प्यार में जीवन, आप उनको जीवन की तरह है, आप उनके प्यार में। मनी ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो पितर हमें बताना चाहते हैं कि धन वर्षा होने वाली है और मनी ब्लेसिंग आ रही है, एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे एंजल्स डिवाइन हमें हमेशा कवर कर सकते थे चारों तरफ से, तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आपके पितर आपको बताना चाहते हैं, आप यहाँ लोगों की मदद के लिए आए हैं, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है। और पितर हमें बताना चाहते हैं कि पहले क्या था ना, जैसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ थी तो उससे आपकी लाइफ में हलचल मच जाती थी, पर अब स्टेज पे आप हैं, इतनी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो चुके हैं कि आपको कुछ भी चीज़ हिला नहीं सकती। जो आपने डिसीजन ले लिया है, आपने ले लिया है। और पहले जो भी लोग थे आपको परेशान कर लेते थे, मतलब छोटी मोटी कुछ हरकत ऐसे करी तो आप परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए आप अपनी लाइफ में, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो डिवाइन ब्लेसिंग है वो हमेशा आपके साथ है। तो अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अपने पथ पे आगे चल रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया है, तो लोगों की छोटी मोटी बातों से अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और पहले जैसा था ना, कुछ भी किसी ने कुछ का आपका मूड ख़राब हो गया, अरे नहीं ऐसा नहीं, अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी। तो परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि जो आपके एनिमी हैं उनका अब सर्वनाश होने वाला है, अब बस उनका समय आ गया है। और फिर से आपके पार्टनर का मैसेज है, अब कभी नहीं लड़ूंगा, आ जाओ वापस। तो ये मैसेजेस सिर्फ उन लोगों के लिए हैं कि जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो सेपरेशन में है, तो इसीलिए जिनसे रेजोनेट नहीं होता है वो प्लीज़ अपनी सिचुएशन इसमें ज़बरदस्ती से ना डालें।
और फिर से आ रहा है फॉरेन ट्रैवल, तो मुझे लग रहा है जल्दी ही कोई ट्रैवल करने वाला है फॉरेन। मे बी आप ट्रिप के लिए जा रहे हो या स्टडी वाइज जा रहे हो या जॉब के लिए जा रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डिवाइन आपके साथ है। तो अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, डिवाइन आपके साथ हैं। और आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं बस थोड़ा सा समय दे दो, वो जल्दी ही आ रहे हैं। हो सकता है कि आप उनमें कुछ चेंजेस चाहते थे, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते थे, या हो सकता है वो अपनी लाइफ को सेटल करने में, अपने फ्यूचर में बिजी हों तो आपको टाइम ना दे पा रहे हो, तो वो जल्दी ही आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। हाँ जी, आई एम ट्राइंग टू फिक्स ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द इश्यूज, आई मिस यू। तो ये आपके पार्टनर का मैसेज है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में थी, जो कुछ भी इश्यू थे, तो वो उनको सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम कर रहे हैं, और सॉरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जल्दी ही वापस आ रहे हैं और वो आपको मिस भी कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं आई वॉज गिल्टी, तो उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी आर्थिक तंगी खत्म होने वाली है, जैसे कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग आने वाली है, धन वर्षा होने वाली है। और आपके जो फोर फादर्स आपको बताना चाहते हैं, अभी कोई निर्णय ना लें, थोड़ा समय दें, थिंक ट्वाइस। अगर कोई ऐसा निर्णय, जैसे काफ़ी टाइम से इन मैसेजेस में है कि आप निर्णय लेने वाले हैं, टाइम आने वाला है, तो अगर कोई ऐसा निर्णय है तो उसको सोच समझिए, सेकंड थॉट दीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा चलो ये कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। और जो डिसीजन आप ले चुके हैं पहले, ये उससे रिलेटेड नहीं है। जेलस फीमेल, आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो आपसे बहुत जेलस है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी रिलेटिव हो सकती है, आपकी नेबर भी हो सकती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। खुद को इग्नोर मत कीजिए, सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। ये काफ़ी बार रीडिंग में आता है, तो कुछ लोग हैं जो फैमिली के बर्डन की वजह से या अपनी जॉब की वजह से, काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं हम लोगों पे, उसकी वजह से अपने आप को इग्नोर करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सेल्फ लव सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, हमें उस पर बहुत ध्यान देना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो सेपरेशन में हैं, कुछ लोग सेपरेशन में हैं कुछ अपने पार्टनर से, तो उनका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। और दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं आपको सुरक्षित रखने के लिए, तो जो परमेश्वर की शक्तियां हैं वो आपके चारों तरफ से आपको सिक्योर करे हुए हैं, आपके चारों तरफ से आपको सिक्योरिटी प्रदान की हुई है। तो कोई भी जो दुश्मन है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। और दिव्य शक्तियां एंजल्स आपको सुरक्षा प्रदान करती हैं और आप बहुत सिक्योर हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं। और अगेन आपके पार्टनर का मैसेज, आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, तो आपके बिना वो लॉस्ट फील करते हैं, जैसे गुम हो गए हो, खो गए हो। आप में ही उनकी संपूर्णता है, या जब आप दोनों साथ हैं तभी आप लोग कंप्लीट हैं। योर यूनियन इज कमिंग सून, तो अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो जल्दी ही आपका रीयूनियन होने वाला है। तो माय डिवाइन फैमिली, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए, और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, पर उसके साथ साथ अपना भी ध्यान कीजिए, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। तो आइए थोड़े से हम गाइडेंस निकालते हैं एंजल कार्ड्स, क्योंकि जो हमारे फॉरफादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे एंजल ही होते हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं हमें। Guidance for my viewers. तो हमारे एंजल हमें दे रहे हैं गाइडेंस, कम्युनिकेट क्लियरली। तो जैसा कि पहले कार्ड्स में आ रहा था कि रीयूनियन होने वाला है, या आपके प्रॉब्लम्स जो भी थी रिलेशनशिप में सॉर्ट आउट होने वाली हैं, तो हमारा एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर रीयूनियन के लिए वापस आ रहे हैं तो आप भाग के चले जाएं और जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व ना करें, उनको डिस्कस ना करें। इसीलिए कम्युनिकेट क्लियरली करिए, कोई भी दोबारा सब इशू ऐसा मत रखिए, सोच समझ के उनकी बात समझिए और अपनी उनको समझाइए, तभी कोई भी डिसीजन लीजिए। इट्स अप टू यू। और ये जो डिसीजन आपने लेना है, आपने रीयूनियन में जाना है, आपको सेपरेशन में ही रहना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जो भी है ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ता।
अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए और अपनी लाइफ को अपने जो डिसीजन हैं उनको सोच समझ के लीजिए हमेशा। डोंट स्टॉप, अब रुकना नहीं है तो आगे चलते ही जाना है और अपने पथ पे बढ़ते ही जाना है। परमेश्वर डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ आपके लाइफ में आने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी सेपरेशन में हैं रीयूनियन के लिए जाना चाहते हैं, या जो लोग भी बिल्कुल रीयूनियन के जाना चाहते हैं, अपने पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन हुआ हो और फिर से आपको कोई इशू आए, तो परमात्मा परमेश्वर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आपको बहुत सोच समझ के और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके तभी आपको कोई डिसीजन लेना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और जो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, सिचुएशन इम्प्रूव होगी जल्दी ही, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर, तो जल्दी ही परमेश्वर परमात्मा डिवाइन सब कुछ सेट करने वाले हैं, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। जो भी क्वेरीज आपके दिमाग में है, सोच ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं, सब कुछ डिस्कस कर लेना है। कुछ भी मतलब मन में नहीं रखनी, अरे ये तो हम भूल गए, नहीं, ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेने से पहले सब कुछ डिस्कस कर लीजिए, चाहे वो आपके पार्टनर्स हो या कोई आप जॉब न्यू ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी आपकी लाइफ में कोई भी डिसीजन आपको लेना है सोच समझ के लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज सोमवती अमावस है, तो अपने पितरों के लिए कुछ भी आप ज़रूर दान कीजिए। आप चाहे चिड़ियों को बाजरा दें, गाय को, गऊ माता को रोटी दें, कुछ भी करें, थोड़ा सा जो आपको लगे कि आपने अच्छा किया है, जो आपको लगे कि आपके मन को सुकून मिला, तो वो ज़रूर कीजिए। छोटा सा ही करेंगे, कुछ नहीं करने से अच्छा कि आप कुछ तो करेंगे। तो माय डिवाइन फैमिली, अगर ये मेरी रीडिंग गाइडेंस आपसे रेजोनेट करती है, आपकी लाइफ में कोई छोटा सा भी चेंज लाती है अच्छे के लिए, या आपको इससे कुछ जो परमेश्वर के संदेश में आप तक भेजती हूँ, आपको लगता है कि हाँ ये आपके सिचुएशन से मैच हो, रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी, परमेश्वर का मैसेज आप तक पहुँचाया, कि क्या क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है और आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।